हेलो आर्टिसंस, वेलकम टू वेब एफिक्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लारावेल 10 के अंदर ईमेल जो है वो यहाँ पे हम कैसे सेंड कर सकते हैं, पूरा ईमेल का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर मैं जैम्प स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जैम्प मैंने स्टार्ट नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है वीडियो का, उसके अंदर एक नया फ्रेश लारावेल प्रॉन जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा, और वो कमांड है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और यहाँ पे लारावेल / लारावेल एग्जाम्पल ऐप, मतलब अपना फोल्डर का नेम। तो यहाँ पे अपना लारावेल फ्रेश क्लोन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं लारावेल फ्रेश क्लोन वर्जन 10.0.3 यहाँ पे क्लोन हो रहा है, और यहाँ पे हमने जैम्प भी स्टार्ट करके रखा हुआ है। क्लोन हो जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम जो स्टेप करेंगे वो है जीमेल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप। जीमेल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के लिए यहाँ पे अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन होना ज़रूरी है जीमेल के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, और थोड़ा और नीचे आना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐप पासवर्ड का जो मॉड्यूल है यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा मतलब पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ऐड करना है कि मुझे वेब के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि टेस्ट लारावेल 10। ठीक है, तो ये हुआ, जनरेट किया, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड मिला है। इसको डायरेक्टली कॉपी कर देना है आपको, और सबलाइम के अंदर मैं अभी रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है वो आ चुका है। इसको मैं डन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ऐड हो जाए। देखिए, यहाँ पे ऐड हो गया है। तो ये हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया। पासवर्ड के बाद यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट पहले मैं रन कर देता हूँ, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे है। तो CD एग्जाम्पल ऐप और PHP आर्टिजन सर्व, तो ये है अपना प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट : 8000 पोर्ट पे हमारा लारावेल 10 जो है रन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उसका UI ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लारावेल 10.1.5 और PHP वर्जन 8.2.0। तो यहाँ पे अपना लारावेल फ्रेश क्लोन हो चुका है। उसके बाद जो है पहले मैं लारावेल का जो प्रोजेक्ट है सबलाइम के अंदर ओपन कर देता हूँ। कुछ मेरा प्रोजेक्ट था डेस्कटॉप पे, वीडियो नाम का फोल्डर, और उसके अंदर एग्जाम्पल ऐप में सिलेक्ट कर दिया, और एग्जाम्पल के अंदर हमारी .env फाइल जो है वो यहाँ पे है। तो ये मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है। SMTP सही है, smtp.gmail.com उसका कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट है 587। उसके बाद यूज़र नेम जो है मेरा webappfix.dev@gmail.com gmail.com ये हुआ। पासवर्ड जो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है सिंपली, और इंक्रिप्शन TLS ये सही है, और यहाँ पे सेम ईमेल जो है मैं वे दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रॉम नेम वेब फिक्स कर देता हूँ। तो ये अपना हो गया ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक ईमेल जो है वो बनाना है। इसके लिए जो है आपको यहाँ पे कमांड चलानी है। कमांड के लिए PHP आर्टिजन मैक कॉलन मेल और उसके बाद डेमो मेल करके मैं बनाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेलेबल डेमो मेल। तो ये हो गया हमारा मेलेबल फंक्शंस। उसके बाद जो है यहाँ पे क्यूएबल सही है। देखिए, ये भी सही है, सूट क्यू मेलेबल कंस्टेंट इनोप और सीरियलाइज मॉडल्स, तो ये सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है, क्योंकि आगे मैं ले जाऊँगा इसको, पब्लिक के साथ $mailData। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर मुझे करना है, तो कंस्ट्रक्ट के लिए यहाँ पे मुझे ये जो वेरिएबल है वो यहाँ पे रखना है डायरेक्टली कुछ ऐसे, और $30 कंस्ट्रक्ट डिफाइन कर देता हूँ मैं मेल डेटा, और यहाँ पे इक्वल टू मेल डेटा, ये सही है। और इसके बाद जो है ये वाला फंक्शन देखते हैं मेल डेटा, ये सब कुछ सही है क्योंकि ऐसे रहने देना है। और यहाँ पे आपका व्यू नेम जो है वो आपको देना है email.demo mail। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमो मेल।
कुछ ऐसे आपको करना है, ईमेल्स कर देता हूँ, सॉरी ईमेल और ईमेल्स का फोल्डर, उसके अंदर डेमो मेल का फाइल। तो यहाँ पे अपना व्यू डिफाइन किया और अटैचमेंट है जो है उसको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि अभी कोई अटैचमेंट नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाना है, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर, और यहाँ पे मेल कंट्रोलर आपको बना देना है। मेल कंट्रोलर बना के बाद सिंपली जो है आपको पहले उसको ओपन कर देना है। मेल कंट्रोलर यहाँ पे बन चुका है जो हमने यहाँ पे बनाया है। यूज़ करके पहले लिखना है मेल, क्योंकि मेल फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूज़ ऐप, और उसके अंदर मेल और हमारा डेमो मेल। तो ये हमारा मेल यहाँ पे यूज़ हो गया क्योंकि डेमो मेल हमने यहाँ पे पूरा जो है उसका मेलेबल का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। तो डेमो मेल के लिए डेमो मेल हमारा यहाँ पे हमने कॉल कर दिया, नेम स्पेस कॉल किया, तो ये सही हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल मेथड जो है वो डिफाइन करनी है, इंडेक्स मेथड मैं बना देता हूँ। यहाँ पे इंडेक्स मेथड हम डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हमारा मेल का जो कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डॉलर मेल डेटा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मेल डेटा इक्वल टू ब्लैंक छोड़ते हैं वेरिएबल और एरे ब्लैंक छोड़ते हैं, उसके अंदर की बनाते हैं, पहली होगी टाइटल और मेल फ्रॉम वेब एप फिक्स, तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ, टाइटल वगैरह लिख देता हूँ। यहाँ पे बॉडी में जो होगा दिस इज फॉर टेस्टिंग ईमेल यूजिंग SMTP, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड, हमने सेट किया, उसके अंदर वैल्यू डाला। अभी जो है मेल कॉलन कॉलन टू, और उसके बाद जो अपना ईमेल जो है वो आपको देना है, तो ईमेल के लिए वेब ऐप फिक्स डॉट डेव, यही ईमेल मैं देता हूँ ताकि इसमें ईमेल आए आपको दिखा सकूँ, gmail.com। ये सही हो गया मेरा मेल। सेंड के अंदर जो है आपको यहाँ पे न्यू डेमो मेल जो हमने ऊपर यूज़ किया वो देना है, और ये अपना वेरिएबल जो है आपको यहाँ पे सिंपली ऐसा कुछ सेट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं DD कर देता हूँ, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, तो ये हो गया अपना ईमेल सेंड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। और एक चीज़ जो है हमारे यहाँ पे रह गई है वो web.php के अंदर एक राउट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए राउट कॉलन कॉलन गेट मेथड और यहाँ पे सिंपली सेंड मेल, ये हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पे अपना मेल कंट्रोल हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया है, नेम स्पेस देना पड़ेगा ऊपर, तो वो जो नेम स्पेस जो है यहाँ पे दे देते हैं, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे यूज़ करके लिखना पड़ेगा, और कंट्रोलर के अंदर नेम स्पेस जो है यहाँ पे देना पड़ेगा, मेल कंट्रोलर, मेल कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और उसके अंदर इंडेक्स नाम का मेथड जो हमने बनाया है वो यहाँ पे आ चुका है। डेमो मेल हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाने, यहाँ पे व्यू के अंदर फोल्डर बनाने का पूरा यहाँ पे दिया था, तो वो हम यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर बनाने के लिए, ईमेल्स फोल्डर और डेमो मेल का जो फाइल है वो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो डेमो मेल डॉट ब्लैंड डॉट PHP, तो ये हो गया डेमो मेल। डेमो मेल्स के अंदर यहाँ पे जो है HTML पूरा मैं लिखता हूँ, और वेब ऐप फिक्स ये हो गया। H1 के अंदर मेल डेटा वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो यहाँ पे आएगा, डॉलर मेल डेटा, और यहाँ पे टाइटल, क्योंकि हमने टाइटल जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया था कंट्रोल के अंदर आप देख सकते हैं, और उसके बाद मेल डेटा, ये सही है। उसके बाद नीचे जो है पी टैग लेता हूँ सिंपली मैं, और उसके अंदर पी टैग के अंदर यहाँ पे बॉडी जो हमने दिया था वो मैं यहाँ पे प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ, बॉडी, तो ये हो गया। पहले टाइटल किया फिर बॉडी किया, टाइटल और यहाँ पे बॉडी, और इसके नीचे एक और पी टैग करता हूँ मैं, लॉरेम करता हूँ, देखिए ठीक है, और उसके नीचे पी टैग थैंक यू करके मैं प्रिंट कर देता हूँ कुछ ऐसे। अभी यहाँ पे रन करने की ट्राई करते हैं, पहले सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन सर्व, ठीक है, ये हुआ हमारा सर्वर स्टार्ट। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक राउट आपको यहाँ पे देना है, तो सिंपली ये जो राउट है web.php वाला सेंड मेल, वो राउट यहाँ पे आपको देना है कुछ ऐसे, और देखते हैं कि यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं, ईमेल सेंड हो रहा है कि नहीं।
देखिए ईमेल सेंड सक्सेसफुली, तो ईमेल सेंड हो चुका है। यहाँ पे मैं गूगल करता हूँ और मेरा ईमेल जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल जो है वो आ चुका है कुछ ऐसे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ईमेल जो है वो यहाँ पे आया है। एक बार इसको डिलीट करते हैं और वापस यहाँ पे ट्राई करते हैं सेंड करने की। ईमेल सेंड सक्सेसफुल यहाँ पे वापस आना चाहिए और यहाँ पे ईमेल जो है वो गेट होना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे जो है डेमो मेल करके यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा भी आप यहाँ पे ईमेल वगैरह कुछ और ईमेल जो है बना के सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं अगर यहाँ पे ईमेल फेक यूज़ करूँ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे भी ईमेल जो है शो हो रहा है। तो ये ईमेल मैंने लिया और इसके अंदर मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेल कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ईमेल जो है मैं रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पे एक बार वापस रिफ्रेश करने की ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल जो है वो रिसीव हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ईमेल सेंड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे रिलोड हुआ ऑटोमेटिकली और यहाँ पे अपना ईमेल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और ईमेल में जो जो भी हमने यहाँ पे दिया है वो सारा कुछ आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट में डेमो मेल लिख के दिया हुआ था। फिर यहाँ पे ईमेल कंटेंट मतलब अपनी फाइल जो है वो कॉल की थी, और अटैचमेंट के लिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे उसका लिंक वगैरह देना पड़ेगा, तभी जाके अटैचमेंट जो है ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो ये था लारावेल 10 के अंदर यूजिंग SMTP ईमेल जो है वो सेंड कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। और लारावेल 10 में कुछ ऐसे कुछ नया फंक्शन वगैरह आया है, क्योंकि पूरा अलग ही फाइल हो चुका है। तो एक बेहतरीन जो है उसका परफेक्शन मानते हैं कि उसका अलग अलग जो है पूरा डिवाइड हो चुका है, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था लारावेल 10 के अंदर ईमेल फंक्शन, ईमेल कैसे सेंड करते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से अगर ईमेल डेमो जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।